बार फिर से मैं सेकंड हैंड गाड़ियों का शोरूम में आ चुका हूँ जो कि हुंडई की एज प्रोमिस है। यहाँ सर्टिफाइड कार मिलता है, आप लोग एक बार जरूर आइए ओबीसी ग्राउंड के जस्ट अपोजिट में। मेरे साथ आज यहाँ पे बहुत सारा धमाल होने वाला है, मेरे साथ वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो देर किए बिना वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर एज प्रोमिस हुंडई की जो यूज्ड कार का शोरूम है सर्टिफाइड कार का, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और आज यहाँ पे बेहतरीन कलेक्शन होने वाली है। मेरे साथ यहाँ पे सर हैं जो सारा डिटेल देंगे। तो सर आप वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सर अपना नाम बताइए। सर संजय कुमार। और एक बार मेरे व्यूअर को यहाँ का लोकेशन बता दीजिए आप। ये आपका पिस्का मोड़ पीसी ग्राउंड अपोजिट जेपी हुंडई है। जेपी हुंडई। और एक बार मेरे व्यूअर को हेलो कर दीजिए सर। और आज स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से होने वाली है सर? सबसे कम से कौन सी गाड़ी है आपके पास सर? सबसे कम में मेरे पास शुरुआत आएगा सेलेरियो। सेलेरियो 2018 मॉडल। अच्छा। टॉप 63,000 किलोमीटर चला हुआ है। जी जी। ये आपको 385,000 लगेगा। 385,000 में ना। तो आज हम लोग फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि इस गाड़ी से, है ना। चलिए सर, ये हुंडई की, ये हुंडई का ग्रैंड आई10 नियोस है। ग्रैंड आई10 नियोस है। ये अभी अपन लेटेस्ट शुरू हुआ है 2020 से। 2020। अच्छा। और ये जो हमारी कार है ये 2021 की है, मार्च की। 2021 मतलब 6-7 महीना लगभग करीब करीब, है ना। 11 महीना। हाँ। और ये चला हुआ है 7,800 किलोमीटर। 7,800 जो कि ओरिजिनल चला हुआ है। मॉडल 2021 की ना। 2021 का स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। ओनर की बात करें तो सर फर्स्ट ओनर है। अभी मेरे पास जितने भी कार आपको दिखाएंगे जो भी कलेक्शन है जी जी, सब फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। पेंडेंट पेंट सारा कुछ ओरिजिनल है ना सर? जी। ये अभी चला हुआ नहीं है, इसमें इसमें भी कोई किसी तरह का काम हुआ नहीं है। जी जी जी। ये सर्टिफाई कार है। अच्छा। हुंडई का लॉन्ग में इसको आपको 1 साल की वारंटी और 2 फ्री सर्विस अप्रूवल देगा। अच्छा। लेकिन आपको 2 फ्री सर्विस तो हम देंगे। हाँ हाँ। इसको ऑलरेडी अभी वारंटी 2 साल और बचा हुआ है। अच्छा। इसके सर्टिफाइड का जो वारंटी के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे सर, है ना। अभी हम लोग इसका इंटीरियर दिखा दीजिए सर, क्या क्या मिलेगी। क्या क्या फीचर मिल जाएगी सर इसमें आपको? 2 एयरबैग, 2 स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, रियर विंड एसी, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मिरर, चारों पावर विंडो और एसेसरीज इसमें लगा हुआ है। सीट कवर, फुट मैट, फुट रेस्ट, स्टेयरिंग कवर, ये सब सारा एसेसरीज लगा हुआ है। कंपनी फिटेड है सर ना? कंपनी फिटेड है, हमारे शोरूम में ही कराए थे। जी जी जी। और ये देख रहे हैं आप ड्यूअल टोन इंटीरियर के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हो दोस्तों, सारा कुछ कंपनी फिटेड लगी हुई है। सीट कवर बिल्कुल कंडीशन में लगी हुई है, मैट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है इसमें। स्टेयरिंग में सारा कुछ दिया हुआ है सर सिस्टम। ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब डाला हुआ है। डाला हुआ है। और 2 एयरबैग मिल जाएगी। 2 एयरबैग है। ये कार आपकी कम एज की है, कम चली हुई है, तो इसमें किसी तरह का सोच नहीं सकते हैं कि किसी तरह का बनावट हो। जी जी। थोड़ा सा बैक दिखा दीजिए सर। देखिए ये स्पोर्ट्स मॉडल है, इसमें आपको पीछे डिफोगर लगा हुआ है, बस वाइपर नहीं है। जी जी। एक रीजनल जो आज के एसेसरीज में एक छोटी कारों में होनी चाहिए वो सारा कुछ, वो सारा कुछ इसमें। टायर वगैरह तो एकदम न्यू कंडीशन में है सर। न्यू। और हम लोग चलते हैं सर। ये दूसरा i20 है, आस्था। i20 आस्था है ना, टॉप मॉडल है। ये भी रांची नंबर है ना? ये टॉप मॉडल है। अच्छा। इसमें लेकिन टॉप मॉडल है, फिर भी 2 एयरबैग मिल रहा है। और मॉडल कौन सी है सर? 2015 लास्ट की है, 16 का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। फर्स्ट ओनर में है और 60,000 किलोमीटर चला हुआ है। 60,000 मात्र चला हुआ है, जो कि ओरिजिनल चला हुआ है ना। ओरिजिनल, किलोमीटर में छेड़खानी नहीं। और टायर की बात करें तो टायर सब अच्छा है, पीछे का थोड़ा वीक है आगे का। तो ये ऐसा ही मिलेगा कि एज इट इज की चेंज करके दीजिएगा सर? वो डील करने को ऊपर है, कुछ गाड़ी में स्क्रैच भी होती है, अल्ट्रा डेंट भी होता है। जी जी। और आप डील करते हैं कि नहीं हमको पूरा ये मतलब ओके करके दे। हाँ हाँ हाँ। फिर उस तरह से ही बार्गेनिंग होगा। अच्छा अच्छा। और एटीट्यूड जो मतलब जो रेट प्राइस आपको कोट कर रहे हैं। हाँ हाँ। वो निगोशिएबल है। निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत अंडर टेबल बैठेंगे। आपको लेने देने में निगोशिएबल। जी जी। अगर आप वर्क को बढ़ा देते हैं जी हाँ, तो फिर उस तरह से हम आपको अलग से डील करेंगे। अच्छा अच्छा। देखिए दोस्तों फ्रंट लुक देख लीजिए गाड़ी के आप लोग। ये कार आपका स्क्रैचलेस है,
जी। लेकिन आपका लेफ्ट साइड का गेट में आगे साइड के बने जो स्क्रेच था टचअप किया हुआ, किया हुआ कराया हुआ है ना। इससे पहले जो आप गाड़ी देखे नियोस जी जी बिल्कुल ओरिजिनल में है। हाँ हाँ, इसमें आपको ओरिजिनल कलर ही है आपका, हमारा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो है ना सब में ही किया हुआ है जी जी, कंपनी की वर्क किया हुआ टचअप किया हुआ स्क्रेचलेस बनाया गया जी जी जी। तो सर इंटीरियर की बात करें तो क्या क्या मिल जाएगी सर? इंटीरियर में आपको फीचर दो एयर बैग है, एसी आपका विंड पीछे में है, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल है, लेकिन इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं आ रहा है। अच्छा, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं है इसमें ना। इसमें रियर कैमरा है, पुश बटन भी है सर, पुश बटन है, टॉप मॉडल है, पुश बटन भी मिल जाएगी देख सकते हो। सिस्टम नहीं है इसका, रियर कैमरा है जो मिरर में आपको शो करेगा। रियर कैमरा वगैरह सारा कुछ मिल जाएगी आप लोगों को, एसी वगैरह चिल है सर, सब कुछ देख सकते हो। सीट कवर भी बिल्कुल कंडीशन में लगी हुई है, बैक सीट भी देख लीजिए आप लोग, रूफ भी एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन है, डैशबोर्ड देखिए नीट एंड क्लीन है, ये भी ड्यूअल टोन कलर में है, ड्यूअल टोन कलर में है ये। और अब आते हैं इसकी प्राइस पे सर हम लोग, है ना। प्राइस सर इसका आपको पड़ेगा 4,80,000, 4,80,000 इसमें भी थोड़ा बहुत बन जाएगा सर। हर कार में निगोशिएबल है, हर कार में, कोई भी कार में फिक्स प्राइस पे कस्टमर नहीं लेना जी 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 जी, तो कोई भी प्राइस है निगोशिएबल है, निगोशिएबल है ना। लेकिन एक डिफरेंट होता है सर कि हमने आपको 4,80,000 बताया जी जी, जाहिर सी बात है कि 3,00,000 में तो नहीं देंगे, नहीं देंगे बिल्कुल। इस तरह का निगोशिएबल है जो जेन्युइन लगे जी जी जी, तो निगोशिएबल हर कार में। चलिए सर, इसमें आपको नाम ट्रांसफर भी करा के देते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस अगर बचा हुआ है तो वो मिलेगा, और अगर फेल है तो न्यू मिलेगा। चलिए सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर चलते हैं हम लोग। गाड़ी हम लोगों की इग्निस होने वाली है ना सर, मारुति का इग्निस है, ये डेल्टा मॉडल है, डेल्टा मतलब बीच वाला सेकंड मॉडल जो आती है। अच्छा अच्छा, डेल्टा होने के साथ भी इसमें अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील मिल रही है देख सकते हो आप लोग। टायर भी कितनी परसेंट टायर होगी सर? अभी 50% से अबव है, 50% से अबव टायर मिल रही है। गाड़ी का फ्रंट लुक देखिए आप लोग, मॉडल कौन सी हो जाएगी सर? 2017। ओनर की बात करें तो फर्स्ट ओनर गाड़ी है। रनिंग क्या होगी सर? 73,000 चली हुई है, जो कि ओरिजिनल चली हुई है, पेंट उंट ओरिजिनल है सर। इसमें आपका एक एडिशनल फीचर कस्टमर ने बैक कैमरा लगाए हुए है, जो मिरर पे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें बैक कैमरा भी मिल जाएगी आप लोगों को दोस्तों? ये एडिशनल लगा हुआ है, एडिशनल लगाए हैं जो कस्टमर थे, जिनके पास गाड़ी थी वो लगाए हुए थे एडिशनल। इस कार में भी आपको सारा लगा हुआ मिलेगा जी जी। आपका ये ड्यूअल टोन कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट ड्यूअल टोन कलर में मिल जाएगी आप लोग। पावर भी आपको, पावर विंडो चारों है ना सर, एयरबैग भी मिलेगी सर, एयरबैग भी है, फ्रंट में दो मिल जाएगी, फ्रंट में दो एयरबैग मिल जाएगी। और स्टीरिंग भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल है, पुश बटन स्टार्ट है, सारा कुछ है, पावर विंडो है, पुश बटन स्टार्ट भी मिल रही है आप लोग, एडजस्टमेंट मिरर है, मिरर भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल रही है देख सकते हो आप लोग, मैट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ, सीट कवर लेदर की लगी हुई है फर्स्ट क्लास, बैक सीट देख लीजिए आप लोग, और एक बार बैक लुक देख लीजिए। और इसकी प्राइस क्या होने वाली है सर? इसका प्राइस पड़ेगा सर आपको 4,500,000, 4,500,000। फिर नेक्स्ट गाड़ी को चढ़ते हैं हम लोग सर। ये बलेनो है ना सर? का ये भी डेल्टा मॉडल है सर, डेल्टा मॉडल है। अच्छा, ये भी 2019 की है, 2019 की, ओनर फर्स्ट है सर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कलर भी काफी किलोमीटर चला हुआ है, 76,000 समथिंग चली हुई है गाड़ी, टायर बिल्कुल न्यू टायर है, सब न्यू चेंज है, टायर न्यू चेंज है देख सकते हो, अलॉय व्हील कैप भी लगी हुई है इसमें, अलॉय व्हील नहीं है, कैप लगा हुआ, कैप लगा हुआ है। और फ्रंट लुक देखिए आप लोग, गाड़ी का फ्रंट लुक काफी लाजवाब फ्रंट लुक है, एक स्क्रेच वैसा भी नहीं, ओरिजिनल पेंट है ना सर? हाँ, पेंट ओरिजिनल है, 76,000 चला हुआ है सर, तो जी जी, थोड़ा बहुत स्क्रेच होता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें इस कार को हमने किसी तरह का छेड़खानी नहीं किया, जो कस्टमर का है बस वैसे खड़ी है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। ये भी आपका इंटीरियर देखेंगे जी, इंटीरियर दिखा दीजिए सर, इसमें भी आपको वही एयर बैग, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मिरर, दो एयर बैग फ्रंट में मिलेगी ना। हाँ, पावर विंडो चारों है ना सर? पावर विंडो चारों है, एयर बैग डेल्टा है सर, इसमें से आपको फ्री आएगा सिंगल, सॉरी डॉक्टर, एयर बैग इसमें सिंगल मिलेगी, बाकी स्टेयरिंग कवर वगैरह लगा हुआ है, डैशबोर्ड देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सीट कवर लगी हुई है बिल्कुल लेदर की फर्स्ट क्लास, बैक सीट भी देखिए आप लोग, मैट उट सारा कुछ लगा, एसी वगैरह सारा वर्किंग है ना सर? वर्किंग सर, जो जो फीचर्स आपको कंपनी ने दिया है जी, वो वर्किंग मिलेगा। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि हम एसी मॉडल कार खरीद रहे और एसी चल ही ना रहा हो। एसी भी चलेगी, पावर स्टीयरिंग भी काम करेगा जी जी, सब इलेक्ट्रिक मीटर, पावर विंडो, हर चीज काम करेगा, हर चीज वर्किंग है। अब इसमें एडिशनल फीचर्स कोई लगाते हैं कस्टमर तो वो भी लगा हुआ है, उसमें हमने कभी निकाला नहीं है, नहीं है। और जो भी कार का अपना ओरिजिनल वर्जन जी जी, जो वर्किंग है वो सारे वर्किंग में। चलिए अब आते हैं सर इसकी प्राइस पे हम लोग, तो क्या प्राइस होने वाली है सर? आपको पड़ेगा 580,000। 580,000 ना, 2019 मॉडल जी, 73,000 किलोमीटर रन किया हुआ, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर। चलिए फिर सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपको पहले बता रहे थे कि अभी सबसे कम बजट में मेरे पास ये सेलेरियो है। अच्छा, ये सेलेरियो, ये सेलेरियो का एक्स मॉडल है जो ZXi से भी टॉप होता था। ये कार आपका 2018 की मॉडल है और 63,000 किलोमीटर चला हुआ है, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल पेंट में हर कुछ में खड़ा है। इसका प्राइस पड़ेगा आपको 385,000। 385,000 नंबर कहें, बात करें तो जमशेदपुर का है, जमशेदपुर नंबर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और इंटीरियर दिखा दिए सर, इंटीरियर सर देखिए, जनरली जो कार खरीदते हैं वो जो फीचर्स लगा अपना ऐड करते हैं जी जी जी, जो एसेसरीज ऐड करते हैं वो तो हर कार में लगी होती है। हाँ हाँ, उसमें से अगर कोई खराब हो जाए तो चेंज होता है, और नहीं खराब होता तो लगा हुआ रहता है। इंटीरियर में इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें भी आपको सिंगल एयर बैग मिलेगा, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मिरर मिलेगा, सारा कुछ मिलता है। पुश बटन स्टार्ट नहीं, ये चाबी से स्टार्ट होता है, चाबी से स्टार्ट। पावर विंडो मिल रही चारों ना? चारों चारों पावर विंडो मिल रही। बाकी बात करें सीट कवर के वगैरह, सीट के तो लगी हुई है सारा कुछ, कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में बिल्कुल। तेल भराइए और चलाइए ना सर, क्योंकि इंश्योरेंस फेल होगा तो हम करा के देंगे। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसफर हम करा के देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको वर्क करेगा नहीं, पुरानी कार है, आपको अपना सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इंजन का ऑयल चेंज कर लो तो सबसे अच्छा हो, और इंजन ऑयल अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि आज के बाद से ये गाड़ी की सारी इंजन की क्वालिटी हम जांच कर लेंगे। बिल्कुल, इससे पहले अगला चला चुका है तो वो कॉन्फिडेंस आता है। क्या प्राइस बोले सर इसकी? ये 385,000। 385,000। फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं सर हम, पेट्रोल वरना XX पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल में है, रांची नंबर है ना सर? रांची नंबर है। ओनर की बात करें तो सर फर्स्ट ओनर है, और किलोमीटर क्या चली होगी सर? 56,000 चला हुआ, 56,000 समथिंग चली हुई है, जो कि ओरिजिनल चली हुई ही चला हुआ है जी सर। और ये 2016 मॉडल, 2016 मॉडल है, पेंट उंट सारा ओरिजिनल सर, कोई टचअप वगैरह नहीं है इसमें ना, देख सकते हो गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल न्यू है। साइड लुक देखिए आप लोग, इंटीरियर दो एयर बैग, दो एयर बैग, मिरर में आपका इसका बैक कैमरा है। अच्छा अच्छा, कवर भी आपका पूरा फ्रेश लगा हुआ है, एयर बैग वगैरह सारा कुछ है ना सर? फ्रंट बैग, बैग में भी है, फ्रंट में दो एयर बैग भी मिल जाएगी आपका, 4 एयर बैग, 6 एयर बैग, आपका एसएक्स ऑप्शन जो सबसे टॉप मॉडल होती है। हाँ हाँ, उसमें मिलता है, वो कार भी हमारे पास है जी जी जी, वो ब्लैक कलर। और इसका आप लोग फ्रंट लुक देख लीजिए एक बार, और इस वरना की प्राइस क्या होने वाली है सर? प्राइस पड़ेगा सर आपको 6,50,000। 6,50,000। चलिए सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं सर हम लोग। ये आपका डिजायर है, VDI डीजल, डिजायर VDI डीजल में है ना? चल, ये आपका नंबर है लातेहार का, लातेहार की नंबर है, का ही है, लातेहार जिला का है। अच्छा, ये डीजल में, डीजल में। ओनर की बात करें तो सर, ओनर, और रनिंग क्या होगी सर? 76,000 किलोमीटर, 76,000 चली हुई है ना, कोई खर्चा उर्चा तो नहीं है गाड़ी में सर? डेंट पेंट ओरिजिनल है सर। और इंटीरियर दिखाइए, आपको सुंदरता करना है तो थोड़ा आगे का बंपर में खर्च है, खर्च है। अच्छा, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है ना, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ आपको डेंट पेंट जो दिख रहा है वो मिल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंजन गियर रनिंग चलने का तरीका ये सारा चीज हम लोग जांचते हैं, वो जांच के बाद ही यहाँ पे गाड़ी आती है ना सर? हमारे कस्टमर हमारे पास गाड़ी आ जाती है तब वो परचेज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो पूंजी तो सोच समझ के लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले हम अपनी पूंजी लगा चुके हैं जी जी जी। जाहिर सा बात है कि अगर ये कोई 20,000 की स्क्रैप कार तो है नहीं कि देखे ले लिए जी जी जी, इसमें हमने अगर आपको प्राइस लग रहा है 4,80,000, तो ऑप्शन है कि हमने भी कुछ उससे आसपास में ही खरीदा होगा जी। हाँ जी हाँ, कस्टमर हमारे बाद में खरीदते हैं, पहले हम अपनी पूंजी लगाते, आपको दिखने वाली चीजें जो है उसमें पेंट है, स्क्रेच है, वो दिख रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हमको घर ले जाना है कार, तो हम पूरा ऑल ओके करके ले जाएंगे, तो हम आपको काम करा के देंगे, बिल्कुल, बस उसका जो क्या है प्राइस में हम उस तरह का निगोशिएबल करेंगे जिसमें हमारा काम भी हो जाए और आपका भी काम चले। चलिए ठीक है सर, इसलिए इंजन में एक्सीडेंटल में ये किसी तरह का आपको नेगेटिव नहीं है। अच्छा, इसमें इंटीरियर में क्या क्या?
यहाँ ये सेकंड मॉडल है। अच्छा, इसमें से एयरबैग मिलेगी? हाँ, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल भी है, इलेक्ट्रिक मिरर, चारों पावर विंडो इसमें भी है, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिक मिरर वगैरह, मैट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, सीट कवर बिल्कुल लगी हुई है, शानदार एकदम गाड़ी है। बैक सीट भी देखिए आप लोग, डैशबोर्ड भी नीट एंड क्लीन है, स्टेयरिंग कवर लगी हुई है, डुअल टोन कलर में है, डुअल टोन कलर में ये भी गाड़ी है। और ये सब लेटेस्ट मॉडल है जो अभी डिजायर का बिकता है जी। और अब इसकी प्राइस 2017 मॉडल है और 2017 की है ना सर, 4,80,000, 4,80,000 ओनर फर्स्ट है ना सर, 4,80,000 में डिजायर आप लोग ले जाइए। तो एक बार आइए आप लोग यहाँ पे एज प्रोमिस हुंडई में, जो कि ओटीसी ग्राउंड के जस्ट अपोजिट में है। चलिए सर, फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं हम लोग। ग्रैंड आई टेन है हुंडई का, ग्रैंड आई टेन ये 2019 मॉडल है। अच्छा, 71,000 चला हुआ है, ओनर फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट ओनर। अच्छा, 71,000 किलोमीटर रनिंग किया हुआ है। ठीक है, ये आपका ग्रैंड आई टेन आस्था टॉप मॉडल, आस्था टॉप मॉडल सारा आपको 2,000 बैग मिलेगा, ऑडियो मल्टी कंट्रोल, रियर कैमरा, एलॉय व्हील, रियर एसी विंड, सारा कुछ है ना, कवर वगैरह सब लगा हुआ है, पीछे वाइपर है, डिफोगर है, ये टॉप मॉडल है सर, इसमें सारा फीचर्स होता है। ऐसे अभी की गाड़ी में टॉप मॉडल, सबसे टॉप मॉडल बोलेंगे तो आपका सनरूफ बढ़ता है। हाँ, ये सब छोटी कारों में ऐसे सनरूफ नहीं आती है, नहीं आती है, तो ये टॉप का सबसे अच्छा है, सारा फीचर से ऐड है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा दिखा सकते हैं सर अंदर। ये भी आपका डुअल टोन कलर में है, ये भी डुअल टोन कलर में मिल जाएगी आपको, ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, रियर विंड एसी, डबल एयर बैग, इलेक्ट्रिक मिरर, तो सारा कुछ मिल रहा है इसमें फीचर आप लोग। ये आपका इलेक्ट्रिक फोल्डेबल मिरर भी है, अगर आप कहीं भीड़ में घुस रहे हैं और मिरर को बंद करना और एसी चला रहे हैं तो आप बटन से भी मिरर को ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका छोटा कार है सर, लेकिन ज्यादातर फीचर से लोड है। अब आते हैं हम लोग इसकी प्राइस पे सर, तो क्या प्राइस होने वाली है इसकी? सर आपका 2019 मॉडल रजिस्ट्रेशन है, ये 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, जून 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 71,000 चला हुआ है, 4,70,000 ना। फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपका वेन्यू है, हुंडई की वेन्यू है, इसकी भी डिमांड जबरदस्त रहती है सर। आपका डिमांड है सर, इसमें आपका ये 1200 सीसी इंजन में SX प्लस 1200 सीसी की इंजन की है, और एक आती है टर्बो। अच्छा अच्छा, ये 1200 सीसी की है। अच्छा, इसमें आपका फीचर्स तो ज़्यादा है, एलॉय व्हील की कमी है। अच्छा, ये अब पहले आती थी एलॉय व्हील, अब एलॉय व्हील नहीं आता है, नहीं आती है। और ये 2020 मॉडल है और ओनर फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट ओनर है सर, ये 16,000 किलोमीटर चला हुआ है, 16,000 ओरिजिनल है। अच्छा, मॉडल कौन सी? 16 मॉडल है, 2020 मॉडल है ना सर। सर इसमें जनरली क्या है ना कि अगर हम अदर ब्रांड कार खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो थोड़ा डाउट हो सकता है लोगों को, अपना कॉन्फिडेंस है कि शायद मिरर चेंज किया, जी जी जी, बदली किया हो। लेकिन हुंडई कोई भी कंपनी सर अपनी ब्रांड की कार को नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका सर्विस रिपोर्ट हमारे यहाँ ही निकल जाएगा। हाँ, वो जी बिल्कुल। आज अगर हम ये गाड़ी 1,00,000 चला हुआ होगा और 16,000 किलोमीटर करके अगर हम आपको दे देते हैं, बिल्कुल, तो कोई भी नेक्स्ट सर्विस स्टेशन में आप हुंडई को जाइएगा, बिल्कुल, यहाँ पे रिकॉर्ड निकल जाएगा ना कि ये कार 1,00,000 चला हुआ, सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगी। जनरली अदर ब्रांड में आपको अपना कॉन्फिडेंस से थोड़ा करना होगा, और ये सब कार सर हुंडई का है, ये सब सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड कार है। अगर इसका किलोमीटर से छेड़खानी करेंगे तो हुंडई आपको सर्टिफाई भी नहीं करेगी, भी नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर उसका किलोमीटर 1,00,000 मेंशन है, तो हम 16,000 में उसको सोल्ड दिखाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा सर। हर ब्रांड में ये सर अपना अपना खेल है, अदर ब्रांड की कारों में छेड़खानी हो सकती है, लोग करते भी है, लेकिन अपनी ब्रांड की कार में कैसे छेड़ेगा, उसका सर्विस रिकॉर्ड तो जब चाहे तब निकाल। और इंटीरियर की बात करें तो सर क्या क्या मिलेगा? सब कुछ लगा हुआ है सर, इसमें देखिए कस्टमर एडिशनल मिरर लगा रखा है, आपका इंटीरियर देखिए आपका कितना खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब इंटीरियर दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, पावर विंडो वगैरह सारा कुछ मिल रहा है ना सर। ऐसे सीरीज में आपका सब कुछ फिट है, सारा कवर, सीट कवर, मैट फ्लैप, नीचे में आपका मैटिंग देख सकते हो, सारा कुछ लगा हुआ है, सीट कवर भी बिल्कुल कंडीशन में लगी हुई है, बैक सीट देख लीजिए आप लोग, रूफ वगैरह सारा देखिए आप लोग। इसका पीछे एसी भी है सर, इधर एसी भी है, एसी भी है, रियर में भी एसी मिल जाएगी, रियर विंड एसी है सर, उसमें रियर विंड एसी रखने के लिए जगह बना हुआ है, हैंड रेस्ट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, देखिए आप लोग। इसमें सर एक एक्सयूवी, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के हिसाब से इसमें अगर सुंदरता को देखा जाए, जी जी जी, सिर्फ एलॉय व्हील रहता है, एलॉय व्हील, बाकी तो सारा चीज फिट में आ नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आती भी नहीं, आती भी नहीं। और अब आते हैं सर इसकी प्राइस पे हम लोग, है ना, इस कार का प्राइस पड़ेगा सर आपको न्यू में हमारा पड़ता है 10,00,000, न्यू में 10,00,000,
और एसेसरीज वगैरह फिट करेंगे तो आपका वो 20-30 हज़ार जो आपका शौक हो। जी हाँ जी, इसमें सारा कुछ लगने के बाद सर इस कार का प्राइस हमने रखा है 7,80,000। 7,80,000 मात्र, थोड़ा बहुत तो बनेगा इसमें भी। 2020 की गाड़ी है सर, उस तरह से अगर आप नया को देखते तो आपको 2.5 लाख का डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कार सर अगर आप परचेज करते हैं तो 1-1.5 साल की कारों को सोच समझ के रेट देना होता है, क्योंकि नई का भी मुझे ज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, पुरानी की भी अचानक से अगर हमने कह दिया कि सर आपकी कार का तो मैं 5 लाख दूंगा, बिल्कुल कस्टमर भी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बिल्कुल, और 4-5 साल चलने के बाद लोग आगे अधूरे रेट में भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। हो जाते हैं जो कारें साल भर 2 साल चलते थे, आपने आपको अंदर में दिखाया भी, 10 महीने की कार है सर, कस्टमर को 7,80,000 की कार को अगर हम बोलेंगे कि सर आपको 5 लाख देंगे तो वो कैसे देंगे? कैसे देंगे? बिल्कुल, तो इस हिसाब से 2020 की है तो हमने इसका प्राइस रखा है 7,80,000 जी, जो निगोशियेबल है। निगोशियेबल है। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं। दूसरा सर ये बलेनो, बलेनो रांची आपको, हाँ रांची नंबर है, जैसे आपको पहले दिखाए डेल्टा, सेम फीचर्स का डेल्टा भी, ये भी 2 है। अच्छा, ये 50,000 किलोमीटर चला हुआ है और अगला 76,000 चला हुआ था। ये दोनों में कलर डिफरेंट है, वो सिल्वर है, ये ग्रे कलर में है जी। आपका जो सिल्वर दिखाया था सर वो वाटर क्लीन है। ये जो आपको 2019 की दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट साइड का गेट में डेंट हुआ था जो रिपेयरिंग किया हुआ। देखिए ये सर्टिफाइड कार का शोरूम में ये फायदा है दोस्तों, सच्चाई पे ही सारा काम होता है यहाँ पे। देखिए सर ने सच्चाई बता दी, सारा कुछ जो भी है सच्चाई पे यहाँ पे काम होता है ना सर। ये बोले जैसे इसका पहले वाला बलेनो दिखाया वो 76,000 चला, हाँ हाँ हाँ, ये 50,000 चला हुआ है, दोनों 2019 की है और दोनों डेल्टा है। कलर में वो सिल्वर है, ये ग्रे, लेकिन वो क्या है बिल्कुल फ्रेश है। और ये 2019 की जो हम दिखा रहे हैं थोड़ा राइट साइड का गेट में और राइट साइड का फेंडर बना हुआ है। ये मेजर एक्सीडेंटल नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा होता है ना, राइट साइड से कहीं रगड़ा गया, तो गेट को रिपेयरिंग हो गया, वो अंदर पिलर चेसिस सब को डैमेज नहीं किया। तो इसलिए आपको सर पहले वाली कार को दिखाया कि 5,80,000 का है। हाँ, हाँ, और इसमें कुछ थोड़ा तो नेगेटिव हुआ, बिल्कुल ये कार का 5.5 लाख। 5.5 लाख, ओनर फर्स्ट ही है, फर्स्ट ओनर। रनिंग क्या बोले सर, रनिंग क्या थी? रनिंग 50,000 समथिंग, 49,000 कुछ है। और थोड़ा सा इंटीरियर दिखाई दीजिए, ब्लू ब्लैक में है, बाकी इंटीरियर पूरा ब्लैक है। इंटीरियर पूरा ब्लैक है, सीट कवर ब्लू ब्लैक में मिल रही है आप लोग को, देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में है। चारों पावर विंडो है ना सर? हाँ, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिक मिरर, डबल एयर बैग भी मिल जाएगी। पहला वाला डेल्टा में हमने सिंगल बोल दिया था, हाँ, ये डबल एयर बैग में आता है, डबल एयर बैग मिल रही है इसमें। सब वर्किंग है सर, LED वगैरह सारा चीज, जो भी है सर आपका पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टेयरिंग, वाइपर, AC जो भी है सर वर्किंग मिलेगा, वर्किंग में है। बैक सीट देख लीजिए आप लोग, गाड़ी बिल्कुल मेंटेन में है दोस्तों। आप जो फीचर्स देख के ले रहे हैं वो सारा फीचर्स चल यूजर है, यूज होगा। टायर भी कंडीशन में है, टायर भी सब अच्छा है। और बातें हैं सर, प्राइस क्या बोले इसके सर? 5.5 लाख। 5.5 लाख, चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं सर। ये आपका जो बताया सर पहले बनना दिखाया जो SX है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका SX ऑप्शनल, ये ऑप्शनल में है। इस कार में आपका एलॉय व्हील, 6 एयरबैग, ऑडियो मल्टी कंट्रोल, 6 एयरबैग भी आता। अच्छा, 6 एयरबैग मिल जाएगी सर। सनरूफ भी है, सनरूफ भी है। थोड़ा सा दिखाइए सर गाड़ी को, शानदार लुक में गाड़ी है ये। ब्लैक कलर की कार है, ड्यूअल टोन में इंटीरियर है, यहाँ पे देखिए इसका सनरूफ लगा हुआ है, देखिए सनरूफ वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। एसी है, पीछे भी आपके एसी है, पीछे भी एसी मिल रही है आप लोगों को। ये आपका टॉप वर्जन है सर, टॉप वर्जन है, सारा फीचर्स है। जी जी जी, इसमें आपका ABS, CVT, आपका ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल, सारा कुछ है सर, देख सकते हो दोस्तों आप लोग। ये आपका टॉप मॉडल है सर, इसमें क्रूज कंट्रोल भी होता है, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारा कुछ मिल रहा है इसमें। और ये 2017 का पेट्रोल वर्जन, 2017 की पेट्रोल वर्जन गाड़ी है, और ये मात्र चला हुआ है 17,000 किलोमीटर, मात्र 17,000 चली हुई गाड़ी में। बीट रिकॉर्ड सर्विस। तो आइए इस कार में सर ओरिजिनलिटी है आपको, ब्लैक में कैमरा में साफ सुथरा दिख रहा है इसका सर, आपका ओला जो पड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आपका बोनेट में और ऊपर टप में ओला का डेंट है। और गाड़ी जिनकी भी थी वो अच्छे से नहीं रखे होंगे या अच्छी जगह नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ बच्चों ने राइटिंग कर दिया है थोड़ा बहुत। तो ये कार सर हमने ओरिजिनल में खड़ा किया। अच्छा अच्छा, अगर हम चाहेंगे तो इसे पूरा पेंट करा के खड़ा करेंगे, लेकिन ये जो ओरिजिनलिटी है जैसे ओला का डेंट है, आपका बच्चे में स्क्रेच कर दिया, तो वो सब छीप जाएंगे, तो फिर ये कार थोड़ा नेगेटिव में आ जाएगा। और सर आप थोड़ा सा प्राइस क्या है इसकी? ये कस्टमर आएंगे ना सर, हाँ,
कार देखेंगे, पसंद करेंगे, वो ओरिजिनल देखेंगे, इसमें ऑप्शन रहेगा कि मैं पेंट करा के दूँ या आप करा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तरह का बार्गेनिंग प्राइस होगा। ऐसे इस कार का भी प्राइस है 8 लाख। 8 लाख है। और इसमें क्या होगा कि अगर हम पेंट कराएंगे तो 8 लाख। कस्टमर अगर चाहते हैं कि नहीं मैं कहीं और करा लूंगा या मैं इससे थोड़ा कम में करा लूंगा, बिल्कुल, फिर वो जो हम पेंट का मेरा जो चार्ज होगा वो उसमें लेस कर देंगे, लेस कर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेस कर देंगे। और सर थोड़ा सा मेरे व्यूअर को यहाँ सर्टिफाइड कार के बारे में और नाम ट्रांसफर कार में। सर देखिए, आपको कहीं भी आप सुने होंगे कि चांदी का मूर्ति मिल जाता है या फ्री में नाम ट्रांसफर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हो सकता है, हम भी देख देंगे। अगर आप चांदी की मूर्ति बोलेंगे या सीट कवर लगा देंगे बोलेंगे, सब कुछ है, लेकिन सर सारे चीज़ों का प्राइस ऐड होता है। ऐड होता है, बिल्कुल सही बात। उसमें जो जो भी रेट में सर आप बार्गेनिंग करेंगे उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। अच्छा, एक तो नाम ट्रांसफर करा के देंगे और दूसरा बचा हुआ इंश्योरेंस होगा तो वो मिलेगी, या फिर फेल होगा तो नया मिलेगा। लैप्स कर गया तो न्यू इंश्योरेंस करके, है ना? वो आपको आईडीबी वाला मिलेगा जो फर्स्ट होता है, थर्ड पार्टी नहीं देंगे, फर्स्ट पार्टी देंगे। जो गाड़ी की आईडीबी वैल्यू है वो मिलेगा फर्स्ट पार्टी, आपको आगे कार अगर स्क्रैच हो तो क्लेम ले भी सकते, क्लेम ले सकते हैं। ये सब सुविधा, ये ऑप्शन हमने आपको दिया है। अब दूसरा सवाल है सर्टिफाई का। सर्टिफाई में हुंडई का नॉर्म्स है सर, जो कार आपको 7 साल से उम्र कम हो, अच्छा मतलब 16 के बाद की मॉडल हो, बिल्कुल, तो ऐसी कार हो और 1 लाख किलोमीटर से कम चला हो और नन एक्सीडेंटल हो, अगर हुंडई में वो एक्सीडेंटल शो करता है तो वो कार सर्टिफाई नहीं होगा। नहीं होगा। तो नन एक्सीडेंटल हो, 1 लाख किलोमीटर से कम चला हुआ हो और 7 साल से कम उम्र हो, तो वैसी कार में 1 साल की वारंटी या 2 फ्री सर्विस मिलती, 1 साल या 20,000 किलोमीटर का वारंटी। अच्छा। ये दोनों में से जो हो जाए, जो हो जाए, आपने 1 महीने में 20,000 चला दिया तो वारंटी लैप, या फिर आपने 1 साल में भी 20,000 नहीं चलाया तो भी वारंटी लैप्स, और 2 सर्विस होगा, सर्विस होगा। और नाम ट्रांसफर का इंक्लूड है सर ना इसमें? इंक्लूडिंग। और कितने दिनों में नाम ट्रांसफर करा के दे देते हैं सर? जैसे जनरली नाम ट्रांसफर में सर ऑप्शन आता है कि हमारी पास जो कार खड़ी है उसमें सर एनओसी होता है, बैंक से जो लोन लेते हैं पहला कस्टमर उसका एनओसी तो हमारे पास सारा उपलब्ध है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है सर, डीपीओ में जाता है, तो वहाँ से थोड़ा, मैं तो आज आपने हमसे कार परचेज किया, बिल्कुल, तो हम शाम को ही आपका हमारे डीपीओ में ये पेपर सबमिट कर देते हैं हमारे वेंडर के थ्रू। जी हाँ जी हाँ। अब क्या है सर, वो गवर्नमेंट का काम है तो वो थोड़ा सा यूज अनयूज करते हुए आगे करते, तो ऐसे में हम लोग 45 दिन का समय मांगते हैं। ये 45 दिन से मिनिमम मान के चलिए, ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, मतलब कस्टमर को 45 दिन के पहले मिल जाए तो बाद में मिले तो ये अच्छा हो, कि चले कम से कम 60 दिन में मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 15 दिन में भी आ सकता है, लेकिन हम कस्टमर को 45 दिन का समय लेते हैं, लेते हैं, ताकि फिर उनको दौड़ना ना पड़े। बिल्कुल। चलिए फिर अभी तो इसमें भी दौड़ने की ऑप्शन नहीं देंगे, तो अगर हमारे पास आरसी आ जाती है तो कॉल करते हैं, अगर 45 दिन के बाद आरसी नहीं आ पाती है, अगर और 8 दिन लेट होता है तो भी एक बार कॉल कर देते हैं कि सर आपका 8 दिन लेट होगा। तो आज तो इतना ही कलेक्शन था सर, है ना? फिर और भी है, हमारा दूसरा शोरूम कडरू आपका कडरू में है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी कार है सर, जिसमें आपका हमारे पास 2015 का स्विफ्ट DXi है जो मात्र 18,000 चला हुआ। अच्छा अच्छा। और एक आपका सेलेरियो है 2016 मॉडल जो 76,000 चला हुआ। अच्छा अच्छा। तो ये कार अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये हमारे दूसरे शोरूम आउटलेट है, वहाँ भी 4-6 कारें खड़ी रहती है। कस्टमर चाहे तो हमारे रातू रोड वाले ऑफिस में भी विजिट करेंगे, और अगर उनको नज़दीक हो या और कारों का भी देखना कलेक्शन हो तो हमारे कडरू वाले शोरूम में भी विजिट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू सर डिटेल देने के लिए, फिर नेक्स्ट अपडेट हम लोग करते हैं ना। चलिए थैंक यू। Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way now, I'll give up everything.
won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, part of my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'm not